एक बार फिर से खड़े हो जाएं और इस पूरे कार्यक्रम के लिए जोरदार तालियां बजा करके स्टैंडिंग अप्लॉज बैठ जाएं। आज हमारा 70वां गणतंत्र है और 70 साल बीत गए, कुछ पता नहीं चलता कैसे निकल गए। जिस साल से गणतंत्र दिवस चालू हुआ 1950 से, मेरा बर्थ ईयर भी वही है। मैं समझता हूँ कि हमारे नेता लोग और हमारे जितने भी ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से हम लोग बहुत नेगेटिव हो जाते हैं कभी कभी, उनकी ओर ना निगाह डाल करके हमें अपने शहीदों को, अपने इस देश के निर्माण करने वाले उन लोगों को जिनको निर्माता कहा जाता है, सजेता कहा जाता है, उनकी तरफ देखना चाहिए और एक आशावादी सोच रखनी चाहिए। आज के जो प्रेजेंटेशन हुए हैं, मैं ऐसा मानता हूँ कि पिछले जितने कार्यक्रम हुए हैं इस मृत्युंजय सभागार में, उनमें रियली द बेस्ट कहे जा सकते हैं ऐसे प्रेजेंटेशन। विशेष रूप से नृत्य में और योग में, और जो चाहे लड़कों का हो चाहे लड़कियों का, जो जोश था वो जोश आज जो देखने को मिला, उससे पता चलता है कि परिवर्तन की प्रक्रिया चालू हो गई है। परिवर्तन आने वाला है और इस परिवर्तन में भारत की भूमिका विशेष होगी। ये जो समय है ये बड़ा खास है। इस खास समय में देव संस्कृति विश्वविद्यालय की भूमिका निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होगी। एक जो ड्रामा था जिसमें कि महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह धरती पर आते हैं और देखते हैं और ये कहते हैं कि बड़ा नेगेटिव दृश्य है और तुरंत विश्वविद्यालय सामने दिखाई पड़ता है। मित्रों, 1950 में जब ये अपना गणतंत्र दिवस जब से माना जाता है, कुल मिला के 27 विश्वविद्यालय थे। आज करीब 950 विश्वविद्यालय इस 50 साल में, और इसके साथ साथ विद्यार्थी भी बढ़े हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स बढ़े हैं, सब कुछ बढ़े हैं। आबादी उस समय 36 करोड़ थी, आज आबादी 130 करोड़ है। मतलब कितना बड़ा परिवर्तन आया है 50-70 साल में। इस परिवर्तन को देखते हुए और युवा शक्ति जितनी बढ़ी है तेज़ी से, उसके साथ साथ बेरोजगारी बढ़ी है, रुपये का मूल्य कम हुआ है, आर्थिक दृष्टि से असमानता का एक स्वरूप दिखाई पड़ता है, बहुत ज़्यादा विषमता। पैसा कमाने वाले और लगभग लगभग ऐसे लोग जो जिनके पास अत्यधिक पैसा है, जिनके पास पूरे देश का पैसा एक तरफ और उनके पास पैसा एक तरफ, 1% के पास जितना पैसा है वो 99% को खिलाने के लिए पर्याप्त है, पर वो छोड़ने को तैयार नहीं। सरकार केवल इतना करे कि उनके ऊपर टैक्स लगा दे, उनका एक एक प्रतिमाह का एक एक टैक्स लगे हर एक के ऊपर, तो वो 1% के माध्यम से ही पूरे देश का पूरा खर्च चल सकता है। पर न जाने क्यों मित्रों, कुछ ऐसा होता है कि देखने में आता है ये जो देश है, इस देश की नीतियाँ और सब कुछ उस संविधान के माध्यम से चल रही है जिस संविधान के बारे में बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा था कि हम लिख तो रहे हैं इसे 1949 की 22 अप्रैल को उन्होंने एक लेक्चर दिया था
कि हम लिख तो रहे हैं संविधान को, परंतु हमें नहीं मालूम इस संविधान को फॉलो किया जाएगा कि नहीं। ये असमानता को मिटाने वाला संविधान है, और इस विषमता से ग्रस्त भारत में जहाँ डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, वहाँ आने वाली पीढ़ी के जो नेता हैं, आने वाली पीढ़ी में जो लोग होंगे, वो इसको संभाल पाएंगे कि नहीं, चला पाएंगे कि नहीं। और वास्तव में मित्रों ऐसा ही कुछ हुआ है कि हमने जो दृश्य देखा, दो पार्टियां थीं, एक अंगूठा छाप पार्टी और एक आपने देखा दूसरी पार्टी, ये ऐसे ही अंगूठा छाप पार्टी ही इस समय पूरे देश का शासन चला रही है, पूरे देश का। और कोई समझ में नहीं आता रिश्तेदार के आधार पर, रिश्ते के आधार पर, संबंधों के आधार पर, भाई भतीजावाद के आधार पर सारा तंत्र चल रहा है पूरा। गणतंत्र का मतलब होता है गण एक तरफ और तंत्र एक तरफ, तंत्र यानी सिस्टम और गण यानी जनता, जनता को चलाने वाला सिस्टम। सिस्टम शुड हैव नॉट डोमिनेटेड गण, तंत्र को गण पर डोमिनेट नहीं करना चाहिए था, गण के लिए जीना चाहिए था। पर तंत्र आज किन के पास है बताइए? तंत्र है IAS ऑफिसर्स, PCS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स और मिनिस्टर्स, उनके PS और उनके साथ साथ सारे सारे देश के शासकीय लोगों के हाथ में। और ये सब तंत्र चलाने वाले लोग क्या करते हैं मित्रों? सारा भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, पूरा के पूरा दृश्य नज़र आता है, उसको देख के लगता है, कभी कभी निराशा होती है, कभी कभी मन दुखी होता है, कैसे बदलेगा सब। पर मैं आशावादी हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ, और गुरुदेव के मैंने चिंतन को पढ़ा है, एकता समता ममता शुचिता, और उसमें उन्होंने, गुरुदेव ने कहा है कि ये जो चार आधार हैं, इन्हीं आधार पर भी भारत का अगला नक्शा लिखा जाएगा। मित्रों संविधान सभा ने जो तय किया, और संविधान सभा के तय होने के, संविधान सभा 1949 में बनी थी, 1950 में उन्होंने संविधान रखा, और उसी दिन से गणतंत्र दिवस मनाया जाने लगा। ये हमारे 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस हर साल एक कर्मकांड की तरह से मनता है, एक रिचुअल होता है ना, जैसे यज्ञ करना है भाई तो करो, कर लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। यज्ञ की तरह से, कर्मकांड की तरह से इसको मनाया जाता है, परंतु जब तक इसकी मार्मिक शिक्षाएं लोगों तक नहीं पहुंचेंगी, मैं समझता हूँ इस पूरे क्रम को जो आज हमने यहाँ किया है, एक नुक्कड़ नाटक के रूप में, एक वीडियो रथ पर इसको एक पूरे प्रेजेंटेशन के माध्यम से पूरे देश में घुमाया जाना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि कोई ऐसी सोच रखने वाला तंत्र भी है, ऐसे सिस्टम है, ऐसा देश भी, ऐसा इस देश में ऐसा भी कोई एक ग्रुप है, एक समूह है जो इस देश के लिए वेदना रखता है तन और मन में, ये सोच रखता है कि बदलना चाहिए, देश बदलना चाहिए, हालत बदलनी चाहिए। कहीं भी हो, जो भी आदमी भारत में कहीं भी रह रहा है, उसको भारत के हर नागरिक के लिए दर्द होना चाहिए मन में, भारत के हर नागरिक के लिए, जिसके पास खाना नहीं पहुँच रहा, जिसके पास जो भूखा सो जाता है, जो जिसके पास अक्षर ज्ञान नहीं पहुँच पाया, जो अशिक्षित रह जाता है, ये सारे के सारे जितने भी विषय हैं, क्वेश्चन हैं, ये सॉल्यूशन मांगते हैं, और इसके लिए हम सबको जिम्मेदार हैं, हम सब जिम्मेदार हैं, इसलिए हमको, हम सबको मिलके करना पड़ेगा कुछ ना कुछ समाधान। केवल उपदेश देने भर से नहीं होगा, उपदेश दे करके अपनी बात कहने से कुछ नहीं होने वाला। 1950 का जो ये संविधान है, वो अब ऐसे वक्त आया है जब 2019 में हम यहाँ जनरल इलेक्शन देखने जा रहे हैं भारतवर्ष में, और इस 2019 में एक ऐसा संग्राम होने वाला है जिसको महाभारत कह सकते हैं। एक जनरल इलेक्शन होगा, फिर वही वोट डलेंगे, फिर वही होगा। और मुझे पढ़ के कल बड़ा अच्छा लगा जब हमारे चुनाव कमिश्नर ने, राष्ट्रीय जो चुनाव आयुक्त हैं, उन्होंने कहा कि अब वो ज़माना नहीं आएगा जब जिस बैलेट पेपर लूटे जाते थे, होगा इलेक्शन उसी माध्यम से, EVM के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लूटा नहीं जा सकता, जो भी होगा ईमानदारी से होगा और वही इलेक्शन होगा। मित्रों इसके अलावा और भी कई चीज़ें हैं जो इस देश में हो रही हैं, जाति के नाम पर तोड़ा जा रहा है। ये जातिवाद कहाँ से आ गया? हमने पैदा किया। हमारी जाति के इतने वोटर हैं, हमारी जाति के इतने वोटर हैं, ये जाति के आधार पे आप क्यों इलेक्ट करते हो? आप अच्छाई के आधार पर, बुराई के आधार पे क्यों नहीं इलेक्ट करते हो? आप ये क्यों नहीं देखते इस आदमी ने काम क्या किया है?
ये महादुष्ट है, बलात्कारी है, पापी है, अत्याचारी है, फिर भी आप वोट देते हैं इसको? एक अवेयरनेस पैदा करने का तंत्र खड़ा करना पड़ेगा हमको कि इलेक्शन आने वाला है, इलेक्शन आने के बाद ऐसा व्यक्ति जो इस देश को खींच सके, इसकी गाड़ी को आगे तक बढ़ा सके, वो बने इस देश का प्रधानमंत्री, वो इस देश के मुख्यमंत्री बने और वो इस देश के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स बने। पार्लियामेंट इज जस्ट लाइक ए फिश मार्केट, अभी मछली बाजार, लड़ाई हो रही, आपस में लड़ रहे हैं, यहाँ तक कि खुल्लम खुल्ला मुक्के चले हैं पार्लियामेंट में और राज्यसभा में, दोनों में। मित्रों, ये इस देश की स्थिति है कि यहाँ पर हम लोग जिंदा हैं, ये बात सही है, परंतु हम जिंदा होने के साथ साथ हम टीवी पर वो भी देख रहे हैं दृश्य जिससे असभ्य, असंस्कृत वातावरण क्रिएट करने वाले लोग वहाँ बैठे हुए हैं। एक बहुत बड़ा कारण मेरे राज्यसभा न जाने का था। राज्यसभा में जब नॉमिनेट किया गया था मुझे, तो मुझे जब कहा गया था कि नहीं आप आ जाएंगे तो बहुत बढ़िया होगा, वातावरण बनेगा, मैंने कैसे बनेगा, मैं भगवान हूँ जो मैं वहाँ के वातावरण बदल दूँगा? सारे के सारे तो शैतान भरे पड़े हैं वहाँ पे। मेरे इस जवाब से मीडिया ने इसको पूरी तरह से सरकार के खिलाफ बना दिया इसको, और कहा कि आप जवाब दीजिए, डॉक्टर प्रणव पंड्या ये कह रहे हैं कि राज्यसभा में इसलिए नहीं जाना। मैंने कहा मैं वातावरण जो नीचे है वो ज़्यादा अच्छा है बजाय उसके कि राज्यसभा और लोकसभा में। मित्रों, इतना ज़्यादा कचरा, इतना ज़्यादा कचरा, न जाने कहाँ कहाँ से लोग इलेक्ट होकर पहुँच जाते हैं, और हमारे इलेक्ट करने वालों को भी अलग अकल नहीं है और इलेक्ट होने वालों को भी अकल नहीं है कि क्या बोलना है वहाँ, क्या करना है। सब के सब जो हैं मित्रों असंस्कृत लोग, बिल्कुल संस्कृति का उनको कोई ज्ञान नहीं, भारतीय संस्कृति का कोई ज्ञान नहीं, उनको विनम्रता की परिभाषा नहीं मालूम, वो ये नहीं जानते कि क्या करना है। एक आमूलचूल परिवर्तन की वेला आ गई है, और ये परिवर्तन की वेला आई है, ये सृजेताओं के माध्यम से परिवर्तन होगा, निश्चित रूप से होगा। हमें एक वातावरण बनाना पड़ेगा, और उस वातावरण को बनाने के लिए हमें बहुत क्रॉस चेंज लाना पड़ेगा, बिल्कुल ड्रेस्टिक चेंज लाना पड़ेगा, और वो ड्रेस्टिक चेंज के लिए हम सब तैयार रहें, हम सब विभिन्न प्रकार से, विभिन्न माध्यमों से, मीडियम्स के माध्यम से, एनिमेशन वाले अपने एनिमेशन फिल्म्स के माध्यम से, हमारे पब्लिकेशन तंत्र वाले और हमारे MGMC वाले, हमारे हिंदी वाले, संस्कृत वाले अपने अपने माध्यम से लेखन करके इन सबको प्रस्तुत करने का काम हम करेंगे, जहाँ जाना चाहिए वहाँ भेजेंगे। और आप देखना, बहुत जल्दी हम अवेयरनेस के माध्यम से हम पहुँच जाएंगे जन जन के कोने कोने में, जन जन के हृदय में। अगर हम लोगों ने प्रयास किया मित्रों, तो ये युग धर्म कहा जाएगा, समय आपातकालीन धर्म कहा जाएगा इस समय का, क्योंकि अगर जागरूकता नहीं पैदा हुई तो इस देश में फिर वही शासन उन्हीं लोगों का आएगा जिन्हें कहा जाता है कि जंगल राज चाहते हैं, जो जंगल राज चाहते हैं, जिन्हें अभी एक बहन जी आ गई हैं, भाई साहब की बहन जी आ गई हैं, एक आपको मालूम पड़ गया होगा दो दिन पहले, अब वो बहन जी आ गई तो वो आशा मानी जा रही है, पूरी आशा मानी जा रही कि, तो फिर उन्होंने कहा व्हाट्सएप पे तरह तरह की चीज़ें आ रही हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया आ रही हैं, आनंद आ रहा है पढ़ पढ़ के। उसमें आया कि आपको मालूम नहीं है हमारी बहन जी आ गई हैं और वो जो हैं तुरुप का इक्का आई हैं, तुरुप का इक्का बन के आई हैं, हमारे आपके मोदी जी को हरा देंगे। तो उन्होंने कहा तुरुप का इक्का जब आपके पास था तो आप जोकर से क्यों काम चला रहे थे इतने दिन से? मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सारे के सारे लोग अनजान, सारे लोग एक ऐसे आदमी के पीछे चले जा रहे हैं, दूसरे आदमी जो हैं वो जो हैं दो भाइयों के खिलाफ साथ साथ चले जा रहे हैं, पर ये नहीं मालूम कि भाई इनमें कौन समझदार है। हमें एक नया तंत्र खड़ा करना पड़ेगा युवाओं का, और युवा गणतंत्र बनाएंगे, युवा नया गणतंत्र बनाएंगे, नया तंत्र खड़ा करेंगे, तब जाके इस जो हम दिवस मना रहे हैं आज का, उसकी सार्थकता है। तुम लोग खड़े हो, तुम लोग माध्यम बनो, और तुम लोग माध्यम बनो जागरूकता पैदा करने का। पढ़ाई करो, पढ़ाई करने के लिए मना नहीं किया, मैं नहीं कहता तुम राजनीति में जाओ, पर तुम जागरूकता पैदा करने वाला तंत्र खड़ा करो,
जागरूकता पैदा करने वाला तंत्र खड़ा होगा, मैं अखंड ज्योति में स्थान दूंगा, तुम लिख करके दो मुझे, मैं अखंड ज्योति में स्थान दूंगा, मैं प्रज्ञा अभियान पाक्षिक में स्थान दूंगा, और मैं एक अखंड ज्योति नहीं, मैं 10 अखंड ज्योति निकालने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम अपनी बात मेरे सामने रखने को तैयार हो तो मैं तुम्हारे माध्यम से तुम्हारी बात को जन जन के बीच में रखूँगा। मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, यूट्यूब का पूरा पूरा एक तंत्र है, इसके माध्यम से भी मैं बात रख सकता हूँ। जब एक बार खबर पड़ जाएगी ना लोगों को कि जनता जो है सावधान हो रही है, जनता समझदार हो गई है, तब फिर ये इस तरह का तंत्र नहीं आएगा जैसा आज दिखाई पड़ रहा है। गणतंत्र दिवस हमें खुलकर सोचने का मौका देता है और कहता है 26 जनवरी जरूर आ गई, पर 26 जनवरी का मतलब ये होता है कि आपको अपने संविधान पर, उसमें हो गए संशोधन, जितने सारे कई संशोधन हो गए, आपको अपने संविधान सभा पर, और आपको इन पर फिर से पुनः विचार करने की ज़रूरत है। ये किसने कहा कि कोई किसी जाति विशेष का होने के कारण और धर्म विशेष का होने के कारण ही यहाँ शासन कर सकता है? ये किसने कहा कि केवल मेजॉरिटी के आधार पर ही हो सकता है? नहीं, क्यों नहीं क्वालिटी बन सकती? क्यों नहीं राष्ट्रीय सरकार बन सकती? एक राष्ट्रीय सरकार बने, राष्ट्रीय सरकार में 4-5-6 ऐसे जिम्मेदार आदमी हों जो पूरे उपतंत्र को ऊपर से संभालें, और उन 6 आदमियों को पूरा राष्ट्र मिलकर के चुने, और उसके बाद पूरे राष्ट्र का जिम्मेदारी, राष्ट्र की जिम्मेदारी हम लोग लें। मित्रों, अभी इस समय हम लोग बहुत ज़्यादा सतर्कता से चलने वाला समय, हम लोग इस समय जिस प्रोसेस से गुजर रहे हैं उस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इस देश की सीमाएं सुरक्षित रहें। इस देश पर चीन का आक्रमण संभावित है, मैं अभी अरुणाचल होके आ रहा हूँ, और मुझे अरुणाचल के मंत्रियों से, मुख्यमंत्री डिप्टी CM से बात करने का मौका मिला। मैंने अपने देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिकों की स्थिति देखी। मैं 2 दिन पहले मसूरी में था, जहाँ ITM में, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजिकल मैनेजमेंट जो डिफेंस मिनिस्ट्री का है, उसमें मैं लेक्चर देने गया था। वहाँ मैं कई लोगों से मिला जो ऑफिसर्स आए थे वहाँ पर, जो जम्मू कश्मीर से लेकर कई जगह पोस्टेड रहे हैं, और उन लोगों की भी ये मनस्थिति थी कि इस समय जो स्थिति है, उस स्थिति को देखते हुए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सेंसिटिव, संवेदनशील, समझदार और जिम्मेदार नागरिक आगे आए, और वो आगे आ करके इस स्थिति को कंट्रोल में करें, नियमित करें। लांस नायक इस तरह के बहुत ही छोटे कार्यकर्ता, मैं बर्फ़ में फंस गया था, करीब 3-3.5 फीट की बर्फ़बारी हुई, तो उसमें मैं चला हूँ, और मैं करीब 2-2.5 किलोमीटर चला हूँ उसमें, और चल करके मैं सुरक्षित स्थान पर आया जहाँ से मैं चला था। मैं उस लांस नायक से बात करता रहा, जिस लांस नायक ने मुझे मेरे को दोनों तरफ से संभाल रखा था, एक ने इधर, एक ने इधर। मैंने बातचीत की तो पता चला जम्मू कश्मीर और इन बॉर्डर्स पे उसने काम किया है। उसने कहा, सर हम जब काम करते हैं तो हम मुल्क के लिए काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं। जब आज के नेताओं को देखते हैं हम, तो हमें इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, ऐसा लगता है कि मंच पर चढ़ करके इनको वहीं ख़त्म कर दें हम पूरी तरह से। लांस नायक कह रहा है, पोस्टेड है, ऑलरेडी आर्मी में है, और आर्मी में पोस्टेड होने के नाते 3 साल के लिए उनको यहाँ आना पड़ता है, अलग अलग इंस्टीट्यूट में जाना पड़ता है। तो उसने कहा कि हम लोग, आप तो बोले 3.5 फीट की बर्फबारी में इसे गुजरे हैं, हम बोले हम तो 8-8, 9-9 फीट, 10-10 फीट की बर्फबारी में 3-3, 4-4, 6-6 महीने रहते हैं, साल भर रहना पड़ता कई बार। ऐसी परिस्थितियों में हम बॉर्डर्स की रक्षा करते हैं। ये आज का हमारा सिपाही है मित्रों, अभी भी सियाचिन से लेकर के कश्मीर की बॉर्डर पूरी सुरक्षित रखने का काम उन्हीं के जिम्मे है। उन्हीं की वजह से हम चैन से सो पाते हैं, उन्हीं की वजह से हमें नींद आती है। हम जानते हैं कि हमला नहीं होगा, क्यों? हमारा सिपाही जो है वो हमारा जिम्मेदार है, वो हमारी सीमाओं की रक्षा कर रहा है। इन सीमाओं के रक्षकों की खातिर ही हमको जिम्मेदार लोगों को चुनने के लिए एक जागरूकता का तंत्र खड़ा करना पड़ेगा। 2019 बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी लेके आया है। ये साल तय करेगा कि भारत अराजकता चाहता है या भारत शासन चाहता है, नियंत्रण वाला, आध्यात्मिक नियंत्रण, अंदर से आत्मसत्ता का नियंत्रण, आत्मयी हुआ आत्मनो बंधु आत्मरिपु आत्मना, यहाँ से आता है, आत्मसत्ता से आता है पूरा के पूरा अपना।
जो यहाँ से कंट्रोल करेगा गीता की इस टीचिंग के माध्यम से कि हमको यहाँ से उद्धरेत आत्मना आत्मनम नात्मनम अवसादेत, अपने मन को कंट्रोल में करके, अपने आत्मसत्ता को कंट्रोल में करके हमें अपने देश को मजबूत बनाना है। वतन परस्ती से बड़ी कोई, मैं नहीं समझता कोई भक्ति हो सकती है। वतन परस्ती सबसे बड़ी भक्ति है। देशभक्ति से बड़ा कोई आध्यात्मिक उपचार नहीं है। देशभक्ति, देश की मिट्टी से प्यार और देश की मिट्टी के लिए जीना, यह हम सब का कर्तव्य है। आप कितने भगवान को पूछते हो मुझे नहीं मालूम, श्री कृष्ण भगवान को पूछते हो कि शिव जी को पूछते हो, कितने अभिषेक करते हो कि मुझे मालूम नहीं, कितने हवन करते हो मुझे मालूम नहीं, परंतु यदि आप देश को पूछते हो और देश के लिए जीने का मादा रखते हो और देश के लिए जीने के लिए लोगों को मोटिवेट करते हो, तो आपसे बड़ा कोई भक्त नहीं, आपसे बड़ा कोई भगवान का कोई पुजारी नहीं। सबसे पहले हमको ये बनना पड़ेगा, देश हमारी सबसे पहली हमारी चीज़ है, देश, जिसी के लिए तो मरे बेचारे, चाहे भगत सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हो, चाहे सुखदेव हो, चाहे राजगुरु हो, ये सब इसी के लिए मरे, इसी के लिए शहीद हुए हैं। और उनको मालूम था कि आने वाला समय, एक साल, 100 साल का समय ऐसा होगा जिस 100 साल के समय में परिवर्तन आएगा और उसमें अच्छे अच्छे लोग निकल के आएंगे। मित्रों, उनके किरदार, उनका अभिनय, उनका नेतृत्व, उनका जीवन क्रम, उनका आचरण, उनकी इतिहास, चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे चेन्नम्मा हो, ये सब हमें बताते हैं कि हम सबको उनको मॉडल बनाना चाहिए, रोल मॉडल बनाना चाहिए। विवेकानंद को रोल मॉडल बनाना चाहिए, हमें अपना रोल मॉडल बनाना चाहिए तो सुभाष चंद्र बोस को बनाना चाहिए, ये हमारे रोल मॉडल होना चाहिए। वो नहीं जिन्होंने पैसा इकट्ठा करके अपने रिश्तेदारों को खड़ा कर दिया, नहीं मित्रों, हमें कोशिश करना चाहिए कि हम किस तरह से अपने जीवन क्रम को बना सकते हैं। मैं आज के इस प्रस्तुतिकरण में जिन बच्चों ने भागीदारी की है, उन भागीदार बच्चों को खूब बधाई देता हूँ। नया बैच हो चाहे पुराना बैच हो, यहाँ बैठे हैं बहुत सारे बच्चे, नहीं हैं बहुत सारे बच्चे इंटर्नशिप में गए, परंतु तुम लोगों ने उसके बावजूद भी अपने उत्साह को बनाए रख करके जिस तरह से यहाँ काम किया है, मैं तुम लोगों को आशीर्वाद देता हूँ, तुम लोगों को बधाई देता हूँ और खूब खूब मंगल कामनाएं देता हूँ कि तुमने जो प्रेजेंटेशन दिया है, उस प्रेजेंटेशन ने मेरा मनोबल बढ़ा दिया है कि वास्तव में आज युवा शक्ति के अंदर वो ताकत है कि युवा शक्ति जो चाहे वो कर सकती है। युवा शक्ति चाहे तो आने वाले दिनों में बदलाव लाने के लिए बड़ी तेज़ी से हम रंगमंच की भूमिका लोकतंत्र के जागरण की दिशा में ले जाएंगे। हम पूरी तरह से लेखन की कला को बदल करके लेखन के माध्यम से सारे देश में जागरूकता लाने की कोशिश करेंगे। हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बनाएंगे, हम स्मार्टफोन्स के माध्यम से घर घर संदेश पहुंचाएंगे। जरूरी है, ज़रूरत है मित्रों, आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सोने की ज़रूरत नहीं है, नशे में जाने की ज़रूरत नहीं है, नशे से दूर हटकर, सोने से दूर हटकर, प्रमाद आला से दूर हटकर, हम सबको मिलकर के राष्ट्र को पूरी तरह से सशक्त और समुन्नत बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। और इसी को याद दिलाने के लिए आता है 26 जनवरी का पर्व। मुझे लगता है कि आप सब जानते हैं इस बात को, फिर भी मैंने इसलिए बताया ताकि आपको यह पता रहे कि एक देव संस्कृति विश्वविद्यालय का छात्र होने के नाते मैं विशिष्ट हूँ, आप खास हैं। छात्र और छात्रा होने के नाते आप सब खास हैं, और आप खास हैं तो खास सोचो, खास ही काम करो, खास ही दिशा में चलो, और उसके लिए आपस में बैठ करके मंडल बनाओ, भागीदारी करो एक दूसरे के साथ मिल करके, और क्या कर सकते हैं, किस कैसे कर सकते हैं इसके बारे में सोचो। मैं तुमको बागी नहीं बना रहा, मैं तुमको क्रांतिकारी बनने के लिए नहीं कह रहा, मैं तुमको कह रहा हूँ कि अपनी सोच को बदलो बस, और सोच को बदल करके कुछ ऐसा सॉलिड काम करके दिखा दो ताकि आने वाली 2026 की वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी तक हम एक सशक्त प्लेटफॉर्म रख सकें पूरे देश का, कि देश के सामने कि ये है मॉडल। और देव संस्कृति विश्वविद्यालय जैसे मॉडल अगर सारे विश्वविद्यालय में बने, आज विश्वविद्यालय बंद हो रहे हैं, पैसा नहीं है लोगों के पास, विश्वविद्यालयों में अराजकता का वातावरण है, पैसा कमाने के लिए चालू किए गए थे, हर अल्टरनेट डे एक यूनिवर्सिटी बंद हो रही है पूरे देश में जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ खड़ी हुई थी। हमारी यूनिवर्सिटी एकमात्र यूनिवर्सिटी ऐसी है जहाँ वेट लिस्टेड रहते हैं कैंडिडेट्स हज़ारों की संख्या में, और जो कहते हैं कि हमारा एडमिशन नहीं हो पाया। हमारी देव संस्कृति विश्वविद्यालय में लाइन लगी रहती है, बाकी विश्वविद्यालय में खाली 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 हैं, बिल्कुल पूरे खाली हैं।
हमको उन खाली विश्वविद्यालयों में देव संस्कृति विश्वविद्यालय का थॉट, विचार, दर्शन भरना पड़ेगा ताकि वहाँ जाकर के चिंतन बदल सके। और इसके लिए 26 जनवरी को हम संकल्प लेते हैं। खूब खूब मंगल कामनाएं तुम सबको गणतंत्र दिवस की, और खूब खूब आशीर्वाद। परम श्रद्धे का ये मार्गदर्शन नित नूतन नई प्रेरणाएं देता है, और निश्चित ही इस बार कुछ नए संकल्प उभरेंगे। आप सभी अपने स्थान पर बने रहेंगे। परम श्रद्धे हम सभी के मध्य से प्रस्थान कर रहे हैं, आप सभी अपने स्थान पर बने रहें। ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। शांति पाठ संवेद स्वर में सभी करें, फिर प्रस्थान करें। ओम देव शांति अंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। सभी को धन्यवाद। पहले अग्रज यहाँ से प्रस्थान करें।